Everybody. Very, very, very good evening and a warm welcome to Vedantu Young Wonders as well as Vedantu's Learn Live online classes. This is me, your master teacher, Navamita Bharacharji, and today we are here to discuss the first chapter of Chemistry of Class 8. I know, I know this is not the first chapter in your book, but what I said was. फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इन योर बुक एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स ठीक है वैसे तो मैंने यही सेशन जो है आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया हुआ है तो आपको पुराने वीडियोस भी मिल जाएंगे लेकिन इस साल के बच्चों के लिए लाइव पढ़ाना लाइव तो नहीं पढ़ा रही मैं बट फिर भी इस साल के बच्चों के लिए इस साल के तरीके से पढ़ाएंगे आप लोगों को ये एवरी बारी गिर गया बताओ पहले शुरुआत में ही एनीवे anyway, हाँ <laughs> तो या सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स इज प्लास्टिक द समथिंग दैट वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट जल्दी से चल के एक बार देख लेते हैं कि हमारे कंटेंट में क्या है मतलब इस चैप्टर में हमें एग्जैक्टली व्हाट आर द थिंग्स दैट वी हैव टू रीड अब इस चैप्टर में सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स होता क्या है राइट आई मीन आप लोगों को याद होगा कि क्लास और सेवन में भी आप लोगों ने फाइबर टू तो फैब्रिक वाला चैप्टर राइट right? और फाइबर टू तो फैब्रिक में प्लांट फाइबर टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स right, मतलब कौन कौन से तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स आपको मिलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स मतलब सिंथेटिक फाइबर्स दिखने में कैसा होता है क्या कुछ अतरंगी दुनिया से वो आए हैं किस ता, मतलब पहनने के बाद कैसा महसूस होता है ऑल ऑफ दीज थिंग्स यहाँ पे हम कवर करेंगे ठीक है इसके अलावा प्लास्टिक्स के ऊपर भी हम बहुत सारा ध्यान देंगे और हम प्लास्टिक्स को भी थोड़े और अच्छे से पढ़ेंगे ठीक है प्लास्टिक के बारे में भी मतलब वैसे तो हमें पता ही है कि प्लास्टिक ये होता है प्लास्टिक की बॉटल मिलती है प्लास्टिक की बाल्टियां मिलती है बट इसके अलावा व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्लास्टिक उसके बारे में हम ध्यान से पढ़ेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड दैट व्हाई प्लास्टिक एज अ मटेरियल ऑफ चॉइस ऐसा क्यों होता है कि इस पूरे दुनिया में लोग आजकल प्लास्टिक का ही इस्तेमाल कर रहे हैं भर भर के वाई नॉट समथिंग एल्स राइट एंड दैट इज वॉट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट हियर हमारा हमारा जो रीजन है ना वजह क्या है कि हम इतना ज्यादा प्लास्टिक यूज करते हैं उसका हमें यहां पे मिल जाएगा वजह इसके अलावा प्लास्टिक्स एंड ये थोड़ा डिबेटेबल सा टॉपिक है कि क्या प्लास्टिक अच्छा है एनवायरमेंट के लिए या फिर ये खराब है और खराब है तो क्यों है अच्छा है तो क्यों है इन सारी चीजों को भी हम देखेंगे लेकिन ये तो आपका पूरा चैप्टर हो गया है क्या हम पूरा चैप्टर आज एक ही दिन में कवर करेंगे नहीं आज हम क्या पढ़ने वाले टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ लुक एट व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर सिंथेटिक फाइबर्स क्या होता है वट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स अलग अलग तरीके के सिंथेटिक फाइबर्स कौन कौन से है? Fibers, बोले तो उनकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे तो चलो शुरू हो जाए बारी ये yes, जल्दी से तैयार हो जाए बाय दो स्टूडेंट्स टू अटेंड क्विज क्योंकि इस क्लास में मैं आप लोगों को क्विज भी करवाऊंगी लाइव में ही तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं अगर आप वेदांतों से पढ़ना चाहते हैं देन ऑल यू नीड टू डू इज जल्दी से इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करो और आ जाओ ठीक है अब इसके बारे में मैं और जो बाकी चीजें हैं वो मैं बाद में बताती हूँ वाई यू आर कमिंग इन एंड वाई यू आर जस्ट ज्वाइनिंग मी इन द दूट्यूब चैनल एज वेल लेट मी टेल यू की देखो मोटिवेशन जो है ना बहुत ज्यादा जरूरत होती है बिना मोटिवेशन के राइट right? ना मेरा मन कुछ करने का करता है ना आपका मन अब मेरा मोटिवेशन होगा कि हा हो बच्चे आएंगे पता नहीं कितने बच्चे आएंगे शायद 300 बच्चे आएंगे शायद 400 बच्चे आएंगे शायद हजार बच्चे मेरे इस वीडियो को देखेंगे शायद 2000 बच्चे देखेंगे और वो जो कितने बच्चे देखेंगे है ना जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वॉचिंग वो मेरे को एक मोटिवेशन देता है और हर रोज सुबह उठ के मैं यही सोचती हूँ कि नवमता आज का सेशन धमाकेदार होना चाहिए राइट द सेम वे आप लोगों को भी मोटिवेशन चाहिए जैसे कि मुझे मोटिवेशन चाहिए तो मेरे मोटिवेशन के लिए आपको क्या करना है आपको अपने दोस्तों को बुलाना है आपको अपने दोस्तों को यहाँ पे बुला के लाना है उनको बोलना है कि यंग वंडर्स में सिर्फ सिर्फ पढ़ाई नहीं मस्ती भी होती है और उनको बोलो कि वो हाँ यहाँ आए और यहाँ पे भी सब्सक्राइब करें अब इसके अलावा आपके मोटिवेशन के लिए आज का मोटिवेशन है आपका इफ यू बिलीव इट विल वर्क वर्कआउट यू विल सी अपॉर्चुनिटीज एंड इफ यू बिलीव इट मोन्ट यूनली सी ऑब्स्टेकल्स अगर आपके दिमाग में ये बोला गया है ना अगर आपका दिमाग कह रहा है ना कि भाई ये कर तो आपको सही में अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी और कोई आपको रोक नहीं सकता अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए कोई आपको रोक नहीं सकता लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो नहीं चलेगा ना फिर आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम दिखेंगे कि अच्छा ये जैसे कि मान लो आपका अगर मन नहीं कर रहा है ना सुबह उठने का जब तक आपने आप सोचोगे कि नहीं यार सुबह तो नहीं उठा जाए तब तक आप ढेर सारे एक्सक्यूजेस दोगे क्यों सुबह नहीं उठा जाएगा क्योंकि मैं बहुत थक जाता हूं मैं रात को ना बारह बजे सोता हूं तो मैं बहुत लेट सोता हूं और इतनी इससे ज्यादा जल्दी मैं सो ही नहीं सकता और इतना सुबह मैं उठूंगा तो मेरा स्कूल में जो है मेरा बिल्कुल एनर्जी नहीं रखे लेकिन अगर आपने सोचा कि भाई मेरे को तो सुबह उठना है आई वॉन्ट टू वेक अप अपली एंड आई वॉन्ट टू डील विद माई डे इन डिफरेंट मैनर ट्रस्ट मी यू विल ट्रस्ट मी यू विल और ये मेरे साथ भी हुआ एनी anyway, बहुत सारा मोटिवेशन बोल दिया है प्रवचन बहुत सारा दे दिया है मैंने, है ना ऐसा तो नहीं है कि नवमिता परफेक्ट है, तो मेरे में भी है। दोनों and plastics और बात करते हैं कि फाइबर्स कितने तरह के होते हैं तो इनिशियलीवन स्टैंडर्ड छठे कक्षा में और सातवें कक्षा में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि हमारे पास नेचुरल फाइबर्स होते हैं नेचुरल फाइबर मतलब प्रकृति से पाया हुआ फाइबर्स है ना जो कि कॉटन हो गया जूट हो गया वो नारियल की रस्सी जो होती है कॉयर हो गया इसके अलावा आपके पास है वुल यस सर्दियों के मौसम में वुलन क्लोथ्स हम पहनते हैं सिल्क के कपड़े हो गए तो ये सारे हो गए हमारी नेचुरल फाइबर्स अब उसमें भी हमने क्लास सिक्स में क्या पढ़ा प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ा राइट हमने कॉटन के बारे में पढ़ा और हमने जूट के बारे में पढ़ा काफी इन डिटेल पढ़ा कॉटन में हम लोगों ने ये कुछ टर्म्स थे याद है फिर जूट में एक टर्म थी रेटिंग है ना तो हमने ये सारी चीजें पढ़ ली है और एनिमल फाइबर्स में भी हमने वुल पढ़ा कि वुल को कैसे पाया जाता है यू रिमेंबर देर आर रिमेंबर क्या था वो शियरिंग सॉर्टिंग यस ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये जो सारे स्टेप्स थे नहीं सॉरी स्का

विच बेसिकली तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी और इस साल इस साल साल हमें हमें क्या पढ़ना है? सारा कॉन्सेंट्रेशन आना है हमारा यहां मतलब सिंथेटिक फाइबर में ठीक है अब सिंथेटिक फाइबर के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं कि जैसे नाइलॉन की रस्सी आपने सुनी होगी नाम तो सुनी होगी <laughs> नाम तो सुना ही होगा आपने करेक्ट यस नायलॉन का नाम तो सुना ही होगा फिर आता है कुछ पॉलीएस्टर इसका भी आपने होगा सुना होगा अब का तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जैसे आलिया भर्ती स्टूडेंट ऑफ द ईयर में बहुत ही पॉपुलर ठीक उसी तरह रेयन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सिंथेटिक फाइबर्स ठीक है अब क्या आप क्विज के लिए तैयार है चलो मैं आपका दो तीन क्विज करवा देते चलो क्विज टाइम है यहाँ पे बच्चा लोग अगर आप यहाँ पे क्विज करना चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप भी क्विज में हिस्सा ले तो फिर स्पेशल सेशन फॉर ऑल द यूट्यूब स्टूडेंट्स इज अवेलेबल राइट नाउ हम चाहते हैं कि वेदांतों में जिस तरह से धमाकेदार तरीके से पढ़ाई होती है ठीक उसी तरह जो है आप भी पढ़ाई करें एक चीज देखना चाहोगे क्विज से पहले मैं आपको एक और मजेदार सी चीज दिखाती हूं है ना एक मिनट जरा जरा रुक जाना ये जो कर्सर है ना ये कर्सर बहुत दिक्कत देता है anyway, एनी तो चलो ये बजा देते हैं आप लोगों के लिए देखा देखा ऐसी ऐसी चीजें भी हो जाती है वेदांतों के प्लेटफॉर्म में तो इतना धमाकेदार है ये कि हम चाहते हैं कि आप में से कोई भी जो है इस चीज पे लूज आउट ना करे और इसीलिए हम आपके लिए जो है ये वेव प्लेटफॉर्म में हम आपसे हम आपकी क्लासेस करवा रहे हैं तो चलो आपको करना क्या है आपको इस वीडियो के नीचे इस वीडियो के नीचे जो है आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या मिल जाएगी एक लिंक मिल जाएगी जरा उस वीडियो पे क्लिक करो एंड दैट्स ऑल दैट यू हैव टू डू तो क्या करना है यहाँ पे ये देखो दोबारा दिखा देती हूँ ठीक है मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ आप लोगों को ये देखो अगर आप मोबाइल मोबाइल फोन से देख रहे हैं तो आपको क्या करना है ये देखो वीडियो के नीचे यहां पे दिख रहा है ऐसा एक सिंबल बना होगा ठीक वीडियो के नीचे यहां पे ऐसा एक सिंबल बना होगा तो इस पर क्लिक करो इस इसपे जैसे आप क्लिक करोगे ना तो यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा लाइक दिस दिस सी लाइक हियर यहां पे जो लिंक दिख रहा है उस पर क्लिक कर दो एंड यू विल बी इन सेशन दैट्स इट अब जब तक सेशन ज्वाइन नहीं करोगे तब तक क्या होगा तब तक आप क्विज नहीं कर पाओगे और अगर आप डेस्कटॉप से ये वीडियो देख रहे हैं तो डेस्कटॉप में भी यहां पे जो है आपको लिंक मिल जाएगा देख रहे हो आप यहां पे लिंक यस एग्जैक्टली जस्ट क्लिक ऑन द लिंक साइन इन एंड कम ऑन इन ठीक है तो चलो पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अचुरल फाइबर इनमें से कौन सा नेचुरल फाइबर है जरा बताओ रेयन नाइलॉन पॉलिएस्टर या कॉटन आई एम श्योर दैट यू गैस नो इट बट चलो यहां पे देख लेते हैं हम ठीक है ये रहा आपका ऑप्शन ए ये रहा आपका ऑप्शन बी ये रहा आपका ऑप्शन सी और ये रहा आपका ऑप्शन डी स्टार्टिंग द हॉटस्पॉट आई एम गिव यू फाइव सेकंड्स एक और बार जरा ध्यान से सवाल को पढ़ लो उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं ठीक है ठीके? तो फाइव फोर थ्री टू एंड लेट्स कौन कौन आंसर कर पा रहा है चलो जल्दी से आंसर करो कम कम ऑन ऑन कम ऑन कम ऑन फाइव दस सेकेंड दस सेकेंड देती हूं मैं ठीक है टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन द करेक्ट आंसर इज ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी कॉटन क्या बात है क्या बात है क्या बात है बहुत ही बढ़िया बच्चा बचालो बहुत ही बढ़िया यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी कॉटन दूसरा सवाल दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे आ ही रहा है और दूसरा सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिंथेटिक फाइबर ये तो चवन्नी अठन्नी वाला क्वेश्चन लग रहा है बहुत ही बहुत ही मतलब सीधा साधा सा सवाल है तो बताओ इज इट नायलॉन इज इट सिल्क इज इट वुड और इज इट कॉटन और राइट अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू द ऑप्शन योर ऑप्शन आर राइट हियर ऑप्शन ए अरे सॉरी ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी और या फिर ऑप्शन डी बताओ थ्री टू वन गो टेल मी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंथेटिक फाइबर इनमें से कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जल्दी बताओ गाइस जल्दी बताओ कम ऑन कमॉन कम ऑन अगेन टेन मोर सेकेंड्स ठीक है आप लोगों को बस दस सेकेंड मिल रहा है सो टेन नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू एंड वन अफकोर्स इट इज ऑप्शन एट विच इज नायन इज इन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्या बात है तो चलो देखते हैं वॉट इज इट ऑप्शन नंबर एट नायलॉन अब आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी और पढ़ाई कर ले वरना इतने में तो कितना ही क्विज दे दूंगी ना एक स्लाइड के ऊपर तो इतना ज्यादा क्विज नहीं दिया जाएगा तो दो सवाल हो गए अब हम पढ़ते हैं जरा वॉट आर फाइबर्स अब देखो ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा स्लाइड बनाया हुआ है यहाँ पे है ना ये देख रहे हो आप एकदम जो पतली पतली सी जो यू नो पतली पतली सी जो एकदम थ्रेड्स होती है थ्रेड के जो पार्ट्स होते हैं उन्हें बोला जाता है फाइबर फाइबर्स आर द थिनेस्ट स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड ठीक है फाइबर्स बहुत ही पतले होते हैं आप फाइबर्स को जोड़ के आप ऐसे स्पिन करके जब उसे पुल करते हो तो डू यू गेट यू गेट यार्न न बोले तो यान इज मच लाइक अ थ्रेड ठीक है यान और थ्रेड में ज्यादा अंतर नहीं होता है यान और धागा थ्रेड का मतलब धागा तो यान और धागा मच द सेम थिंग अब धागे धागे से बनता है क्या फैब्रिक यस और फैब्रिक क्या होता है ये जो हमने पहन रखा है ये जो टी शर्ट मैंने पहन रखा है या फिर आपके आपके मम्मी का दीदी का किसी का अगर आपने साड़ी देखा है तो साड़ी इज अ फैब्रिक यस द मटीरियल द क्लोथिंग मटीरियल दैट इज अ फैब्रिक ठीक है तो इस तरह से फैब्रिक बनाया जाता है और ये हम लोगों ने क्लास सिक्स में क्लास सेवन में पढ़ लिया है अब इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हमारे सामने आता है गाइज प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस होल चैप्टर और ये सवाल जो है ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा ठीक है वॉट इज इट पॉलीमर्स और पॉलीमर्स से भी पहले एक और टर्म आता है जो कि यहां पे लिखा हुआ है विच इज बेसिकली मोनोमर अब ये मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है चलो एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो आप लोग आयरन मैन को जानते हो ड्यूगा इज नो आयरन मैन आयरन मैन को जानते हो क्या आप लोग थॉर को जानते हो थॉर को भी जानते हो ग्रेट आप लोग ब्लैक विडो को जानते हो अमेजिंग ठीक है तो ये सारे सारे इनका अलग 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 अलग, अलग, अलग मूवी निकला करेक्ट देर वॉज मैन मूवी देर वॉज थॉर मूवी देर वॉज

डिबल हल्क और आयरन मैन और ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका ठीक है अब ये कैप्टन अमेरिका ब्लैक विडो जब जुड़ जाते हैं मान लो सबने हाथ पकड़ लिया जब ये सबने हाथ पकड़ लिया तो ये क्या बन गए ये बन गए अवेंजर्स बेसिकली अवेंजर्स इज द पॉलीमर और अकेले, अकेले 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 जब ये है तो दे आर मोनोमर मोनो का मतलब होता है वन मर का मतलब होता है यूनिट तो मोनोमर इज वन

रोपर हीरोपर 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 हीरो अगर मैं आज यहां पर खड़े होके बोलू कि मोनोमस असेंबल उसके बाद मोनोमस असेंबल होने के बाद क्या बन जाएगा

अब नेचर में कैसे अवेलेबल होते कॉटन आपने कॉटन को देखा है कॉटन में क्या होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है जिसका नाम है सेलुलोज यू नो सेलूलोज सेलुलोज इज सेलुलोज इज बेसिकली नथिंग बट अ चेन ऑफ ग्लूकोज ये देख रहे हो ग्लूकोज 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 का जब इतना बड़ा चेन बना दिया तो हमने उसे बुला लिया सेलुलोज तो सेलुलोज बिकम्स द पॉलीमर वेर ग्लूकोज बिकम्स द मोनोमरिक यूनिट अंडरस्टैंडिंग ये रहा आपका मोनोमरिक यूनिट ठीक है और जो ये सेलोलोज है ये सेलूलोज आपका बन जाता है पॉलीमर ठीक है गॉर इट एवरी वन अंडरस्टैंडिंग तो कॉटन इज अ पॉलीमर कॉल्ड सेलूलोज मतलब कॉटन जो है वो बेसिकली एक पॉलीमर है और पॉलीमर का नाम है सेलुलोज ज इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट एंड वट आर दिस ग्लूकोज यूनिटिकली मोनोमरिक यूनिट ऑफ द पॉलीमो सेलूलोज इज दिस क्लियर एवरी वन जल्दी से जरा चार्टॉक्स पे जो है मुझे लाल आला ला ला दिख जाना चाहिए अगर आप लोगों को यह समझ आया तो चलो जल्दी से जरा चार्ट बॉक्स में लाल आला ला लिख दो अगर आप लोगों को यह समझ आया तो आ गया समझे से ग्रेट ठीक है अब आगे बढ़ते हुए क्विज कर ले और दो तीन क्विज कर लेते ताकि क्लियर हो जाए कि सब लोगों को समझ आ गया ग्रे तो क्या करना है आप लोगों को इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पर क्लिक करो ज्वाइन इन करो और क्विज करो ठीक है तो पॉलीमर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड लेयर्स मॉलिक्यूल्स सेल्स या मोनोमर्स बहुत ही आसान सा सवाल आ गया है बताओ ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी या ऑप्शन डी ठीक है Three seconds. Three, two, one, go. Bata. Polymers are made up of small units called layers, molecule cells, ya fir, monomers. I know you can do this. I know you can do this. Yes, jali se bata do guys. I'm going to give you only 10 more seconds. Take care. So 10, 9, 8, 7, 6.

किस किस का करेक्ट हुआ बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट दिया ये बहुत इजी था एनीवे नाउ बताओ डैश इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट ओ कम ऑन यू कांट इवन यू कैन नॉट गेट दिस रॉन्ग वेरी इजी इज इट प्रोटीन इज इट फ्रक्टोज इज इट सेलुलोज और इज इट पॉलीएस्टर थ्री टू वन स्टार्टिंग द हॉटस्पॉट हिट इट कम ऑन गाइज कम ऑन जल्दी से बता दो बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं पापा का वॉल्यूम उतना ही जाता है। ये होती है पढ़ाई पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों अब वेदांत तो मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा वरना आपकी पूरी फीस वापस चलो गाइस चलो 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 कम ऑन ओके टेन नाइन एट सेवन सिक्स 5, 4, 3, 2 and 1. What is the answer? Do we all know it? We all know it. The answer is cellulose, isn't it? Cellulose is made up of a large number of glucose unit wherein glucose is the monomeric unit and cellulose is the polymer. Alright guys, so moving on now. मूविंग ऑन फ्रॉम हियर अब यहां से आगे बढ़ते हुए अब हम ये जानना चाहते हैं कि वॉट आर सिंथेटिक फाइबर्स ये सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं सो द सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड सिंथेटिक सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल और मैन मेड डू वी नो दिस एवरीवन सिंथेटिक का मतलब होता है आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड है ना इंसानों से बनाया हुआ मतलब हमारे से जो बनाया हुआ होता है उसे हम बोलते हैं सिंथेटिक ठीक है ये तो बहुत ही आसान सा डेफिनेशन है ये सबको याद हो गया होगा अब आगे बढ़ते हुए यहाँ से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स एंड दीज आर द मोस्ट पॉपुलर अमंग देम रेयन नायलॉन पॉलिएस्टर एंड अक्राइलिक अब देखो रेयन रेयन जो है रेयन को ना सेमी सेमी नेचुरल बोलते हैं सेमी नेचुरल बोलते है, नहीं सेमी सिंथेटिक बोलते हैं क्यों सेमी सिंथेटिक बोलता है क्योंकि रेयन का दस परसेंट जो है ना वो नेचुरल बनता है पता है कहां से

हो से प्रिपेयर करना चाहता है तो दैट इज समथिंग दैट आई कांट टेल यू ठीक है अब ये जो वुड पल्प होती है इसको जब ट्रीट किया जाता है बहुत सारे अलग-अलग केमिकल्स -अलग के साथ आपको मिल जाता है रेयन सो रेयन वाज वन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर इसके अलावा नायलॉन अब नायलॉन की रस्सी मिलती है सॉक्स में यूज होता है में यूज़ होते, टूथ ब्रशे में यूज होता है सीट बेल्ट स्लीपिंग बैग्स एक्सेट्रा इज़ यूज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर इनफैक्ट जो पैराशूट्स और पैराग्लाइडिंग जो लोग करते हैं उसका जो रोप होता है दैट इज ऑल्सो अप ऑफ नाइलॉन बिकॉज नायलॉन इज रियली स्ट्रॉन्ग कमिंग टू पॉलीस्टर पॉलिस्टर में क्या होता है अच्छा नाम से पता चल रहा है कि इसमें मोनोमेरिक यूनिट क्या है इसमें ये जो एस्टर है ना ये एस्टर दिस एस्टर इज द मोनोमेरिक यूनिट ऑफ पॉलीएस्टर पॉलीएस्टर इज द पॉलीमर एंड एस्टर इज द मोनोमर यस अब पॉलीएस्टर में भी अलग अलग तरीके के पॉलीएस्टर होते हैं लाइक देरस टेरिलियन देरस पॉली एथिलिन टेरिफेलेट इसका इसका फुल फॉर्म जरा लिख लो बच्चा लोग पीई टी पीईटी के फुलफॉर्म है पॉली एथिलिन टेरिफ ओके टेरिफ That's the full form of PET, polyethylene है? और अगर हम बात करें की, अच्छा सरोजिनी से कभी किया? आपने दिल्ली के नगर से, अगर से कभी शॉपिंग किया है तो आपको बहुत सारे ऐसे पचास पचास रुपए सौ सौ रुपए के स्वेटर मिल जाते हैं तो आपको क्या लगता है आपको लगता है कि वो क्या कश्मीर से कश्मीर गोट या पश्मीना का स्वेटर मिल रहा है आपको बिल्कुल भी नहीं तो वो जो स्वेटर आपको मिल रही है ना ये 100 200 200 रुपए में या फिर 50 50 रुपए में दैट्स एक्चुअली नथिंग बट अक्राइलिक वो अक्राइलिक की बनी हुई है अक्राइलिक इज अ सिंथेटिक फाइबर एंड इट कंप्लीटली लुक्स लाइक वुल ठीक है इट कंप्लीटली लुक्स लाइक वुल तो इसका इस्तेमाल करके भी हम बहुत सारे अलग-अलग तरीके के कपड़े बना सकते हैं जिनका एक्चुअली हम यूज भी करते हैं ठीक है ऑलराइट एवरीवन अब देखो ऑफ सिंथेटिक सिंथेटिक फाइबर फाइबर के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं कुछ होते हैं इनके एडवांटेजेस ऐसा तो नहीं है कि दुनिया में कोई भी चीज सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज लेके आया है कुछ अगर एडवांटेज है तो देर आर ऑब्वियसली देर आर सम डिसएडवांटेजेस आल्सो तो इनका एडवांटेज देख लो कलर रेजिस्टेंस मतलब धोने के बाद इनका रंग नहीं जाता ये हम बहुत ज्यादा महसूस करते हैं कॉटन कपड़ों के साथ राइट बांधनी वाला जो वो जयपुर से लाया हुआ कॉटन का कपड़ा लाओ आप पिंक लेके आओगे दो तीन वॉश में वो क्या हो जाएगा वो लाइट पिंक या बेबी पिंक कलर का हो जाएगा अब दिस इज समथिंग दैट वी डोंट हैव टू डील व्हेन इट कम्स टू सिंथेटिक फाइबर्स ठीक है दे डू नॉट श्रिंक व्हेन वॉश्ड अगेन कॉटन के कपड़े वॉश करते ही वो छोटे हो जाते हैं एक्चुअली हाँ कपड़े ही छोटे होते हैं ठीक है थीके? है ना कपड़े छोटे हो जाते हैं अगेन दिस डज नॉट हैपन हियर दे आर इजिली अवेलेबल आपको दो तीन दिन में कपड़े बना के मिल जाएंगे लेकिन कॉटन को उगाने में कितना टाइम लगता है जूट को उगाने में कितना टाइम लगता है सो दिस इज समथिंग दैट वी डोंट हैव टू डील डीलटेन इजी टू मेंटेन वॉश एंड ड्राई लेस एक्सपेंसिव एंड मोर इलास्टिक दे आर रेजिस्टेंट टू मॉथ अटैक्स मतलब कीड़े मकौड़े वगैरह इनको इतना अटैक नहीं करते सिंथेटिक है ना उनको भी खाना नहीं पसंद है एंड दे आर स्ट्रॉगर टफर एंड ड्यूरेबल देन नेचुरल फाइबर्स ठीक है अब इनके डिसएडवांटेजेस देखो फर्स्ट एन दॉर आप ये synthetic कपड़े गर्मी में पहनोगे तो इतनी इरिटेशन होती है ना और तभी हम बार बार बोलते रहते कि गर्मी के मौसम में कॉटन पहन गर्मी के मौसम में कॉटन पहननाजेंट इट ऑल्सो दिस इज द वेरी 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 इंपॉर्टेंट और सबसे डरावना जो इनका डिसेज है वो है कि दे कैच फायर वेरी इजिली तो अगर आप आग से कोई काम करो मतलब इवन इफ यू आर कुछ समथिंग जस्ट मेक श्योर दैटेटिक फाइबर दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू आयरन ठीक है दे आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू आयरन तो क्या होता है कि कई बार जैसे आप इन्हें हीट देते हो या तो वो जल जाता है या फिर आप इन्हें हीट देते रहो देते रहो देते रहो और फिर भी कुछ नहीं होता ठीक है तो ये इनका डिसएडवांटेज हो गया और राइट right, अब एवरी बारी आई एम श्योर से अब आई नो की लॉर्ड ऑफ यू प्रोबेबली डो नॉट नो अबाउट की वेदांतों ने कितना घमासान रिजल्ट किया है आई जे एसओ में आई जे एसओ में एसओ एफ में आईओ एम आई एम ओ में दैट इज इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलम्पियाड

हजार में आपको मिलेगा थ्री हंड्रेड एंड फिफ्टी प्लस लाइव से आईओ क्यू एम एस ये जितने भी ओलंपियाड है इनकी लाइव सेशन होगी आपको रेगुलर वीकली डाउट सेशन मिलेंगे एकेडमिक मेंटर्स होंगे आपके जो आपके पूरे सब जर्नी में आपको सपोर्ट करेंगे इसके अलावा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको लेना क्यों चाहिए स्ट्रेस लेना चाहिए वो क्योंकि बड़े होकर सबको एक क्रेज होता है ना जेई क्लियर करेंगे नीट क्लियर करेंगे उसकी तैयारी यहां से शुरू होती है और एक बार अगर जिंदगी में आपने जो है आई या एनएसओ में इंटरनेशनल रैंक ला लिया तो भाई पता है आपको क्या होगा लोग पूजते रहेंगे आपको लोग पूछते रहेंगे नॉट ओनली दैट आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे कहां से स्कॉलरशिप आएगा इसका और बेनिफिट्स अगर जानना है तो एक बार एसओ का वेबसाइट खोलो और वहां पे जाके देखो कि क्या क्या मिलेगा उसके बाद आप बोलना कि हाँ मैम आप सही थे और मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे होंगे कि मैम पांच हजार तो बहुत एक्सपेंसिव है भाई मैं ना बैटमैन देखने गई थी मी और माई हस्बेंड और तुम्हें पता है कि मुझे टिकट का प्राइस कितना देना पड़ा था फोरम मॉल में गए थे बैंगलोर में है फोरम मॉल आइनॉक्स में देखा दोनों का मिला के विदाउट पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न भी नहीं खाया इलेवन हंड्रेड रुपीज मूवी इसका मतलब है कि मैं बैटमैन की मूवी सिर्फ पांच बार देख सकती हूँ एक्चुअली उससे भी कम पांच बार में फाइव थाउजेंड फाइव हंड्रेड हो जाएगा यहां पांच हजार और यहां पे आपको 350 से भी ज्यादा लाइव क्लासेस मिलेंगी बैटमैन की मूवी पांच बार देख सकते हो यहां पे 350 प्लस सेशंस मिलेंगे आपको सिर्फ पांच हजार में और इतना ही नहीं जब तक आपका एग्जाम नहीं कंप्लीट कम्प्ली, कंप्लीट हो जाता जब तक एनएसओ कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक आप बैच में रहेंगे तब तक आप वेदांतों में रहेंगे तब तक आपको मेंटरशिप मिलेगा so what are you going getting here comprehensive teaching from basics आपको हम बेसिक्स भी पढ़ाएंगे और वहां से हम आपको डिफिकल्टी लेवल तक लेके जाएंगे you will get best faculty एक बार वेदांतो का वेब पेज देखो आपको पता लग जाएगा कि फैकल्टी कौन है I have an experience of almost four years now प्रतेज sir has an experience of five years हरि प्रिया मैम is going to teach you she also has an experience of four years now रीनू मैम has an experience of eight to ten years और उन्होंने अकेले single hand handedly डेढ़ सौ से भी ज्यादा सिलेक्शन करवाए अब बताओ अभी भी कन्विंस नहीं हो क्या तो इसके बाद आपको यहां पे बुकलेट्स मिल जाएंगे मतलब किताबें हम आपको भेजेंगे वही पांच हजार में इंक्लूडेड है एक्स्ट्रा पे नहीं करना रेगुलर आपके टेस्ट होगी ताकि आपको खुद पता चले कि आप कितने पानी में हो कितना और प्रिपेयर करना है टेलीग्राम ग्रुप आपकी बनाई जाएगी ताकि आपके डाउट सॉल्व जो है वो रेगुलरली होते रहे और आपकी जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाती तब तक आपको मेंटोरशिप भी मिलेगा इसका मतलब है कभी भी अगर आपका हाथ ठंडा हो रहा है कि भाई मेरे से ये कैसे होगा मेरे से ये शायद नहीं हो पाएगा तो योर मेंटोर इज हियर टू हेल्प यू विद आपसे क्लियर होगा आप इंटरनेशनल रैंक जरूर लाओगे और उसके लिए आपको बस एक स्टेप फॉलो करना है जो कि है क्लासेस में आना है और इसके अलावा जो भी बच्चे मेरे से पढ़ना चाहते हैं 5, 4, रुपीज, 4, रुपीज. क्या करना है इसी वीडियो के नीचे देखो ए आई लाइव कोर्स फॉर सिक्स सेवन एट लिखा होगा इन टेंथ में अगर पढ़ना चाहते हो तो वो भी ठीक है सिक्स टू ट्वेल्व तक की हमारे पास ए आई लाइव है आपको क्या मिल रहा है आपको यहां पे क्लास टीचर्स मिलेंगे क्लास टीचर्स आपका डाउट लेंगे इंटरक्टिव क्विजेस मिलेगा पोल्स मिलेगा लीडर बोर्ड मिलेगा माइल मिलेंगे आपको रिकॉर्डेड डिस्कशन ऑफ स्टडी मटीरियल पीडीएफ मिलेंगे किताबों के आपको टेस्ट मिलेगा असाइनमेंट मिलेगा क्लास नोट मिलेगा स्टूडेंट अकाउंट मैनेजर प्लस वी केयर मिलेगा मतलब आपको कोई भी दिक्कत है आपको बस यहां पे वी केयर पे एक मेल डालना है या फिर आपको अपने सैम से बात करनी है इसके साथ साथ आपको छोटे छोटे माइक्रो कोर्सेज भी मिल जाएंगे प्लस वेदांत इंप्रूवमेंट प्रॉमिस मतलब लर्निंग प्रोग्रेस टेस्ट के बाद अगर आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होते तो पैसे वापस अब चार हजार पांच सौ में और क्या चाहिए वॉट एल्स डू यू वॉन्ट इससे ज्यादा भी और कुछ चाहिए क्या चार हजार पांच सौ में भाई इतना कुछ मिल रहा है आप आप इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ पाओगे ना मेरे से प्रीतिश सर से सना मैम से हरिप्रिया मैम से अमित सर से मोहन सर से लॉन्च प्राइस बाय अब बस लॉन्च प्राइस है बिना कूपन कोड के ये लॉन्च प्राइस है अगले एक दो महीने में कोर्स प्राइस और बढ़ जाएगा तो वेट काहे कर रहे हो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल है जल्दी जल्दी आओ पांच हजार में कोर्स खरीदो और पढ़ना चालू करो है ना और कूपन कोड क्या लगाना है कूपन कोड आपका हो गया है एन बी प्रो ठीक है एन बी प्रो इज द कूपन कोड ये लगाने पे आपका कोर्स प्राइस बन जाता है फोर थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बहुत ओवर स्मार्ट होते हैं और उन्हें लगता है कि हम जो ये बात करते हैं हम आपसे क्यों बात करते हैं ये क्योंकि हमें पैसा मिलेगा क्या लगते हैं हम तुम्हें क्या लगते हैं नहीं ऐसा है आपके यहां आने से और आपके यहां ना आने से हमें को पैसा नहीं मिलता हमारा कुछ होता भी नहीं है ठीक है कुछ नहीं होता हमारी फिक्स सैलरी होती है जो हमें मिलती है अगर आप आते हो तो यस वेदांतों में एक चीज भला होता है नंबर जरूर देखा जाता है ऐसा नहीं है कि कोई नंबर नहीं देखता अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करते हो तो हां मेरे सुपरवाइजर को जरूर लगेगा Nabamita is a good teacher. That's the only benefit that I will get if you use my coupon code. So, if you think that I can teach you well, if you think that I really do put in my efforts to teach you, and if you think that I'm your favorite teacher, then do not forget to use this code that is NB Pro just like your bro. Alright? NB Pro open code use you use karna, you will get the course for only 4500 rupees. और राइट right. और इसके अलावा अगर आपके मम्मी पापा को डाउट अगर आप बोल रहे हो कि पापा नहीं मानेंगे जैसे फरहान का फरहान के पापा बोलते हैं ना थ्री इडियट्स में या फिर फरहान बोलता है ना कि अब्बू नहीं मानेंगे अगर अब्बू नहीं मानेंगे या फिर अम्मी नहीं मानेगी और आपको लगता है कि आपको आना चाहिए तो फिर आप अपने मम्मी पापा से बोलो कि इस वीडियो के नीचे या ये जो टिकट चल रहा है ना दिख रहा है ना आपको तो यहां पे एक नंबर लिखा हुआ है देखो

so i'm hoping to see you all in my classes and now let's move forward with the quizzes guys which fiber is used as artificial wood? acrylic rayon nylon yeah, cotton chalo is the chalo let's do this everyone so the question is here we go option a option b option c and option d bata 3 2 1 go let's do this Let's do this. Let's do this. Come on, guys. Jaldi, jaldi se ajo, ajo, ajo. Okay, I'm going to give you 10 more seconds 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Let's finish it. Let's see. What is the correct answer, guys? The answer is.

and one. What is the correct answer? The strongest synthetic fiber is nylon. Obviously, I have told you this answer. Correct. मैंने आप लोगों को आंसर बताया है ठीक है तो nylon is the correct answer. अब आगे बढ़ते हुए अब आगे, आगे बढ़ते हुए चलो PET is PET is a polyamide nylon polyester या thermosetting polymer. ठीक है तो देखो कुछ कुछ जो है इसमें से ऑप्शन वो ऐसा है कि जो मैंने आपको पढ़ाया ही नहीं है तो आप सोच लो इज इट ऑप्शन ए इज इट ऑप्शन बी इज इट ऑप्शन सी और इज इट ऑप्शन डी थ्री टू वन गो कम ऑन गाइज आंसर आंसर फाइव फोर थ्री टू एंड वन व्हाट इज इट It's definitely polyester, right? PET is polyethylene terephthalate, which is a polyester. Cool, everyone. Yes, it is option C. now. Okay. That was all for. Oh, actually, we have come to an end. I did not know. I thought there were more questions. But anyway, we are we have come to an end of the session, everyone. So thank you, thank you, thank you so much. I really had a lot of fun in the class. Yes, आपसे जरूर मिलूंगी कहीं ना कहीं मुझे पता चल जाएगा जब भी आप फीडबैक दो कुछ दो तो मुझे पता चलेगा कि आप मेरे क्लास में है आप मेरे से पढ़ रहे हैं एंडे uh, अगर आप लोगों को यहाँ पे क्लास करके मजा आ रहा है इफ यूर लाइकिंग दिस चैनल आपको जितना भी फंड चाहिए जितनी भी पढ़ाई चाहिए वो सारी की सारी चीजें यहाँ पे हो रही है तो टाटा बुबाई सी यू ऑल